आई एम सो एक्साइटेड, बाप बनने की खुशी में पागल सा हो गया हूँ। जी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर साहब पॉजिटिव है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अक्सर कॉम्प्लिकेशंस निकल ही आती हैं। कॉम्प्लिकेशंस? कैसी कॉम्प्लिकेशंस? देखिए आप लोग टेंस ना हो, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वक्त से पहले तमाम बीमारियों का पता लगाया जा सकता है और आप एहतियात भी बरत सकते हैं। डॉक्टर साहब बीमारियाँ एहतियात, आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए आपका बच्चा नॉर्मल नहीं, आपके बच्चे के ब्लड में वाइट सेल्स की ग्रोथ बहुत स्लो है और इसका न्यूरो सिस्टम भी प्रॉपरली एक्टिव नहीं है। आपके बच्चे की मेंटल ग्रोथ एक ख़ास स्टेज पर जाके रुक जाएगी, यानी उसकी फिजिकल ग्रोथ तो होगी लेकिन मेंटल ग्रोथ जो है एक ख़ास पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। अगर साफ लफ्जों में मैं कहूँ तो आप एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा करेंगी। एबनॉर्मल बच्चा? एबनॉर्मल? ना जाने कैसे जाने कैसी रातें गुलाबों पर है। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। भूख नहीं है मुझे। आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। सुबह खुशी ने भूख उड़ा दी और अब अब गम ने भूख उड़ा दी है। निसार, इस तरह की बातें करके तो आप मुझे भी उदास कर रहे हैं। अब तो सारी जिंदगी उदास रहना पड़ेगा। आपने दोपहर से अपने आप को इस कमरे में कैद कर रखा है। चले मैं चाय बनाती हूँ, लॉन में चलकर बैठते हैं। घर में तो घुटन सी महसूस होने लगी है मुझे। अब तो सारी जिंदगी घुट घुट के ही जीना। आप क्यों ऐसी मायूसी वाली बातें करते हैं? मेरा माजी मेरे सामने फिर से आके खड़ा हो गया। तारीख फिर से अपने आप को दोहरा रही है। क्या मतलब? हमारे होने वाले बच्चे की ज़हनी मासूरी कोई बीमारी नहीं बल्कि सजा है। सजा? सजा? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हम दो भाई थे, मेरा बड़ा भाई ज़हनी मासूर था, अब नॉर्मल बच्चा, पूरा खानदान उसको बड़ा प्यार करता था और मुझे इग्नोर करता था। मामा उसे बहुत प्यार करती थी, पापा उसको बहुत चाहते थे। उसी हसद की वजह से एक दिन छुपन छुपाई खेलते हुए भाई को मैंने कमरे में बंद कर दिया। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जब मामा ने दरवाजा खोला तो खौफ के मारे भाई की जान निकल चुकी थी। भाई मर चुका था। भाई का कातिल सब मुझे कहते थे। अपने ही भाई का कातिल बन गया था। और तुम यकीन जानो मैं अपने भाई को मारना नहीं चाहता था। मेरे लिए तो भाई को कमरे में बंद करना सिर्फ एक शरारत थी। उस वक्त तो मैं बच्चा था, सजा से बच गया। अब वही सजा
उम्र कैद में बदल गई है। Why are you so negative about it? निसार आप क्यों इन सब बातों को अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं? क्यों अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं? आपको पता है मेरी नानी तो कहती थी कि ऐसे बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा होते हैं वालदैन के लिए। तुम इस वक्त सिर्फ माँ बनकर सोच रही हो। माँ हूँ इसीलिए माँ की तरह बात कर रही हूँ। आप भी तो बाप बनकर सोचिए। प्लीज फरियाल, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। प्लीज प्लीज। मामा मैं बहुत परेशान हूँ। निसार का रवैया एकदम से बहुत मुख्तलिफ हो गया है मेरे साथ। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, क्या करना चाहिए मुझे। प्लीज आप एक दो रोज में आ जाएं, मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। ठीक है, बस आप जल्दी से आ जाएं। निसार क्या हो गया है? कोई डरावना ख्वाब देख लिया है क्या? नहीं, एक तल्ख हकीकत से आगाही मिल गई है। मैं समझी नहीं। फरियाद, मैं कल ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगा। फरियाल, तुम यहाँ बैठी मैच देख रही हो, तुमने चलना नहीं है? कहाँ? डॉक्टर के पास। आर यू सीरियस? आई एम सीरियस फरियाल। मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास। फरियाल, बच्चों वाली बातें मत करो। बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों जैसी नहीं। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। निसार, मैं नहीं जाऊंगी। फरियाल, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं, लेकिन हमारी बेहतरी इसी में कि हम डॉक्टर के पास जाएं, उससे मशवरा करें। ये तो शुक्र है मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, पर हमें आने वाली मुश्किल से आगाह कर दिया। मुश्किल? कैसी मुश्किल? औलाद तो खुदा की नेमत होती है और आप इसे मुश्किल का नाम दे रहे हैं। फर्ज करें अगर हम अल्ट्रासाउंड ना करवाते और तब ये बच्चा पैदा हो जाता तो फिर उस वक्त आप क्या करते? और भी तो लोग हैं जिनके इस तरह के बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को मार देते हैं, उनका गला घोट देते हैं। दुनिया में कितने लोग स्पेशल किड्स को पाल रहे हैं, हम भी पाल लेंगे। बस आप भी ये समझ लें कि हमने अल्ट्रासाउंड करवाया ही नहीं और इस बच्चे को अल्लाह ताला की नेमत समझकर कबूल कर लें। फरियाल, औलाद नेमत तब होती है जब सेहतमंद हो। इस तरह की औलाद नेमत नहीं, सहमत होती है और बायसे शर्मिंदगी भी। शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? उन लोगों को देखें जिनकी औलाद नहीं होती, वो तो ऐसे बच्चों को भी तरसते हैं। आखिर आप कैसे इतने संगदिल हो सकते हैं? मत भूलिए कि आप बाप हैं इस बच्चे के। बाप? किसका बाप? फरियाल, इस कैफियत से बाहर निकलो। हम इस बच्चे के माँ बाप तब बनेंगे जब ये दुनिया में आएगा। सही कह रहे हैं आप तो इस बच्चे के बाप तब कहलाएंगे जब ये इस दुनिया में पहली सांस ले। मगर मैं तो इसकी माँ उसी दिन बन गई थी जिस दिन मुझे पहली बार पता चला कि मैं माँ बनने वाली। जिस दिन मुझे एहसास हुआ
कि मेरे अंदर एक और वजूद पल रहा है। मेरी भूख में उसकी भूख शामिल हो गई। ये बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा है निसार, खुदा के लिए मुझे इससे अलग मत कीजिए। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, मगर इन पोस्टर्स का क्या करोगे, अब तो तुमने रूम में भी कोई जगह नहीं छोड़ी। अपने ऑफिस में लगाऊंगा। व्हाट, कम ऑन, बच्चों के पोस्टर्स माँ के रूम के लिए होते हैं, बाप के ऑफिस के लिए थोड़ी। बच्चा तो दोनों का होता है ना। फिर भी लोग क्या कहेंगे ऑफिस में बच्चों के पोस्टर्स लगे हुए। लोग जो कहते हैं उनको कहने दो, तो समझते हैं उनको समझ दो। अल्लाह ने मुझे औलाद दी तो अपने स्टाइल से खुशी मनाऊंगा। बड़ा ही कोई यूनिक स्टाइल है आपकी खुशी मनाने का। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। ये देखो इसकी स्माइल कितनी प्यारी है। मगर मुझे ये अच्छा लगता है। सारे ही बच्चे अच्छे। अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना। मामा मुझे निसार की फिक्र खाई जा रही है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो अगर तुम स्ट्रेस लोगी तो बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। बच्चे की सेहत की वजह से ही तो हमारे दरमियान ये फासले हाइल हो गए। तुम घर आने दो निसार को, मैं उससे खुद बात करूंगी। मैं उसकी माँ हूँ, मेरी बात वो कभी रद्द नहीं करेगा। मामा मैं गलत तो नहीं हूँ ना? माँ कभी गलत हुई है बेटा? ये बात निसार को कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगी, मैंने कहा है ना, मैं समझाऊंगी उसे। मैं कुछ नहीं समझा और मैं कुछ समझना भी नहीं चाहता। मैंने जो फैसला किया है बिल्कुल सही किया है, इसी में भलाई है मेरी और फरियाल की। मगर तुम्हारा ये एकतरफा फैसला है, फरियाल तुम्हारे इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है। वो इस वक्त जज्बाती कैफियत से दो चार है, उसे जब होश आएगा तो उसे नदामत नहीं होगी, बल्कि वो खुद कहेगी उसने जो किया है सही किया है। तुम एक माँ से उसके बच्चे को मारने को कह रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि ये सब सही है? ये गलत भी नहीं है। सारी जिंदगी महरूमियों में घुट घुट कर गुजारी है मैंने, आपके पापा के प्यार को तरसता रहा हूं। मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा तारीख फिर से अपने आप को दोहराए। तुम जो करने जा रहे हो वो गुनाह है। एक गुनाह मुझे सारी जिंदगी की सजा से बचा सकता है। नॉर्मल बच्चा सजा नहीं होता। स्ट्रेंज, ये आप कह रही हैं मामा, जो खुद सारी जिंदगी एक सजा काटती रही। कभी भरपूर जिंदगी जी आप? खानदान की कभी किसी खुशी में या किसी गम में शरीक नहीं होती थी आप, सिर्फ इस वजह से कि आपके बेटे को कोई देखकर हंसे ना, मजाक ना उड़ाए या अजीब नजरों से ना देखे। 10 साल का होकर भी उसके सारे काम आपको करने पड़ते थे। स्पेशल बच्चा था ना वो, उस एक बच्चे की वजह से आपने पापा को भी इग्नोर किया, मुझे भी इग्नोर किया। आपने तो अपने जात की नफी कर दी, आप औरत नहीं बल्कि मां बनकर रह गए। मुझे आज भी इस बात का पछतावा नहीं है, क्योंकि मां बनना ही औरत की तकमील होती है। आपके ये दलायल मुझ पर असर नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में आप मेरा साथ दीजिए और फरियाल को भी समझाइए कि वो भी मेरा साथ दे, मेरी बात को माने। मैं फरियाल को बहुत चाहता हूं और कभी उससे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर फरियाल ने मेरी यह बात ना मानी तो मैं उसको छोड़ दूंगा।
ये देखो, ये तब के कपड़े हैं जब निसार 1 साल का था। इसी मौके के लिए संभाल कर रखे थे मैंने। कितनी अच्छी मामा हैं आप। इसके अलावा उसके बचपन के खिलौने, उसका पहला टूटा हुआ दांत, और हाँ वो कागज़ जिस पे स्कूल में उसने पहली बार लिखा था, जो कि हैंडराइटिंग समझ में भी नहीं आती, वो और उसके अलावा बेशुमार उसके बचपन की चीज़ें संभाल कर रखी है मैंने। अस्सलाम वालेकुम। मामा भी मुझसे खफा है, तुम भी गुस्से में हो। तुम लोग क्यों नहीं समझते मेरी बात को? माँ का खफा होना तो पानी के बुलबुले की तरह होता है, जो एक सेकंड में ख़त्म भी हो जाता है। रही बात मेरी, तो ये आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? प्यार करता हूँ तुमसे, तुम अगर ना भी कुछ कहो मुझे समझ आ जाती। ये देखिए, ये मामा अपने साथ लेकर आई हैं। ये तब के हैं जब आप सिर्फ 1 साल के थे। देखें मामा ने अब तक कितने संभाल के रखे हैं। आज का टाइम लिया है मैंने डॉक्टर से। निसार प्लीज। देखो फरियाल, मुझे गलत मत समझो, हमें कम से कम एक बार तो डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। फरियाल, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, कोई ना कोई सलूशन तो होगा इसका। अगर ये इरादा है तो फिर मैं चलने को तैयार हूँ। जाओ, मामा को बता दो हम क्लिनिक जाओ। अच्छा। मुझसे तो वो बात ही नहीं कर रही। फॉर्म आपके हस्बैंड साइन कर चुके हैं, आप भी कर दीजिए। ये कैसा फॉर्म है और मैं क्यों साइन करूं उस पे? आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बताया? नहीं, इनफैक्ट हम तो आपसे मशवरा करने के लिए आए थे कि शायद आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई और हल हो। देखिए, आपके हस्बैंड कल भी मेरे पास आए थे और वो भी यही चाह रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल निकल आए, बट इट्स नॉट पॉसिबल। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप ये बच्चा पैदा कर लें, और या फिर आप इस फॉर्म पे साइन कर दें ताकि हम आपका ऑपरेशन कर सकें। ओह, अच्छा। देखें डॉक्टर, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं कैसे खुद अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दूँ? मुझे कोई ऑपरेट नहीं कराना। आपने ये बात सोची भी कैसे? आप तो खुद एक औरत हैं, सोचें जरा। हमारा तो मजहब भी इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लाम की रूह से देखें तो कितना बड़ा गुनाह है ये। क्यों एक माँ पर अजियत ढाकर अपने आप को खुदा की नजर में मुजरिम बना रही हैं? रखें अपना फॉर्म। फरियाल, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। Try to understand, Faryal. Don't touch me. तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरे बच्चे का मजाक उड़ाए, हकारत की नजर से देखे, कोई मेरे बच्चे पे तरस खाए। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह के फैसलों के आगे सर नहीं उठाते निसार, बल्कि आजिज़ी से उसके आगे सर झुका देते हैं। मैं रब से बगावत नहीं कर रहा, उसकी सजा से राह फरार तलाश कर रहा हूं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें।
अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं छोड़ दूंगा। सच कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सच। मैं सारी जिंदगी के दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारी जिंदगी बर्दाश्त करने से बेहतर है कि तुम्हें छोड़ने का दर्द सह लूं। अब फैसला तुमने करना है फरिया, तुम करोगी फैसला, मुझे चुनना है या अपने इस होने वाले बच्चे को। फैसला तो आपके लिए है निसार, मेरा तो ये मुकद्दर है और मैं अपने मुकद्दर से लड़ना नहीं चाहती। ये जिंदगी है या सजा, लबों पर है कांटों की बरसातें, लहू हो गई मेरी बस वीरप्पा। मैंने बहुत सोचा लेकिन अब हम दोनों का साथ रहना मुमकिन नहीं। मैंने कुदरत के सामने सर उठा लिया और तुमने सर झुका लिया। तुम एक बहादुर लड़की, इस आजमाइश का सामना कर सकती लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं इतना खुदगर्ज भी नहीं हूं। ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर लिया था, तुम्हें मुबारक हो। डिवोर्स के पेपर्स तुम्हें एक वीक तक मिल जाएंगे। हक महर के पैसे भी मिल जाएंगे और जो बच्चा तुम पैदा करने जा रही हो उसके भी सारे अखराजात में भिजवाता रहूंगा। I'm sorry, मैं एक कमजोर आदमी निकला लेकिन तुम बहुत बहादुर हो। सके तो मुझे माफ कर देना। फरियाल, क्या हुआ फरियाल? क्या बात है? अम्मा, ये क्या है? वाह, देखो, मेरा मतलब है इस हालत में तलाक नहीं हो सकती। अम्मा, उसमें यही लिखा है, बच्चा मेरा होते ही मुझे डिवोर्स कर देगा। मत परेशान हो, मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। फरियाल, होश करो फरियाल, फरियाल। क्या हुआ डॉक्टर? सब खैरियत तो है ना? हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा सके। फरियाल तो ठीक है ना? हाँ, आपकी बहू को कुछ देर में होश आ जाएगा। क्या मैं मिल सकती हूँ उससे? जी जरूर, आप मिल सकती हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, कितनी प्यारी है, बिल्कुल परियों जैसी। अच्छा चलो,
अब तुम सो जाओ, हाँ मैं तुमको लोरी सुनाती हूँ। हाँ मामा लोरी सुनाएंगी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही।